बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की दूसरी पारी पर ग्रहण लगाकर कांग्रेस अंदर ही अंदर खुश, लेकिन कांग्रेस की एक सांसद कर रहे हैं नितिन गडकरी की जमकर तारीफ। कांग्रेस तो गदगद है, लेकिन विजय दर्डा ने गडकरी की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। विदर्भ के शेर कहा है नितिन गडकरी को, बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष को कांग्रेस सांसद विजय दर्डा ने विदर्भ का शेर बता दिया है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद विजय दर्डा ने मोदी के बाद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं। दर्डा ने गडकरी को विदर्भ का शेर कहा है। दर्डा तारीफ करते गए, एक ही मंच पर दोनों शामिल थे और उपस्थित थे। वहां पर दर्डा ने कहा कि नितिन गडकरी शेर हैं विदर्भ के, विदर्भ को नुकसान होगा उनका अध्यक्ष न बनने का जो फैसला बीजेपी ने लिया है उससे। और ये वो तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। दर्डा ने गडकरी को विदर्भ के शेर की उपाधि से नवाजा है। दर्डा ने कहा, विदर्भ का आदमी जीता है शेर की तरह, मरता है शेर की तरह। दर्डा और गडकरी एक कार्यक्रम में एक साथ एक ही मंच पर मौजूद थे, तो शेर की तरह विदर्भ का शख्स जीता है और शेर की तरह मरता है। नितिन गडकरी भी विदर्भ के हैं, गडकरी के अध्यक्ष न बनने से विदर्भ को नुकसान होगा, यहां तक कहा। एक ही मंच पर दोनों साथ में थे और पूर्ति कंपनी के एग्रो विजन कार्यक्रम का ये मौका था। तो पूर्ति कंपनी जिस पर सवालिया निशान है, जिस पर तमाम सवाल हैं, धोखाधड़ी के आरोप हैं, और जिसकी वजह से नितिन गडकरी की बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी गई है, उसी पूर्ति एग्रो के कार्यक्रम में, एग्रो विजन नाम के इस कार्यक्रम में पूर्ति कंपनी का एक कार्यक्रम था। दर्डा ने कहा कि गडकरी के दोबारा बीजेपी अध्यक्ष न बन पाने से विदर्भ का नुकसान हुआ है, विदर्भ को नुकसान होगा। और कांग्रेस सांसद इससे पहले नरेंद्र मोदी को भी शेर कह चुके हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विजय दर्डा ने आखिर क्या कुछ कहा, किस तरह से तारीफ में कसीदे पढ़े, सुनिए। नितिन जी, आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप दिल्ली छोड़ के नागपुर आ गए। कल आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे और मुझे और गिरीश बाबू को दोनों को इस बात का डर था। वही विशेषता है विदर्भ की, हर व्यक्ति यहां पर जीता है शेर की तरह और मरता है शेर की तरह। जीवन में पॉलिटिक्स, राजकारण बहुत चलता है, मगर खुद का भी जमीर होता है, खुद की भी अपनी इबरत होती, खुद की इज्जत होती है। मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि अपने आप की अस्मिता को हाथ नहीं लगा दिया। निश्चित रूप से विदर्भ का नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में चमन में दीदार होता है, पर पता नहीं भविष्य में क्या छुपा है, क्या लिखा है। हमें आशा है कि आने वाले कल में आप ही राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए हम लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे।